सो आज हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो कि जीएटी में फॉर श्योर श्योर आते हैं और काफी मेहनत लगी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल पांच शीट्स हैं ये। और इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो जीएटी में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लिटरली। और ये सारा क्रेडिट मैं आफ्पा को देना चाहूंगा, आफ्पा की फैकल्टीज की मदद से हो पाया है। सो ओवर हियर, यहां पर जो जितने भी जीएटी पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, पहली बात तो सवाल ये, जीएटी इज ओनली पॉसिबल वे टू गेट सिक्योर अ गुड मार्क्स इन एनडीए। नंबर वन, चार नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, और यहां पर मैथ्स में 2.5 नंबर है, ये बात हमको लॉजिकली पता है। बट सच में लिटरली यहां पर आप कम से कम 50 से 60 नंबर तो बूम करके उठा सकते हो अगर आपके पास अभी एक से महीना या 15-20 दिन है तो आराम से। नाउ क्या करना है, पहली बात ये समझो। देखो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये टोटल अपने आप में 200 नंबर रखते हैं, आपको यहां पर दिख भी रहे होंगे। इसके बाद आपका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इसके अलावा आपका करंट अफेयर, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर को हटा देते हैं क्योंकि करंट अफेयर में 7 आते हैं, इकोनॉमिक्स में एक दो क्वेश्चन आते हैं, सो ये बकवास है। सो हमारे पास बचे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सो टोटल मिलाकर ये 6 सब्जेक्ट्स पर मैं आपको मदद करने वाला हूँ, जिससे एग्जैक्ट क्वेश्चन आप मतलब लिटरली कोई पेपर उठा लो, 2021 का हुआ था ना लास्ट, आप वो उठा लो, आपको मिलेंगे यही क्वेश्चन, हर बार आते हैं और मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। आप मतलब एक कहोगे ये कहां से भैया, ये तो पहले ही हमको पढ़ा दिया करो ना, ये इतनी मेहनत क्यों कराई जाती है, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो। बट इट्स लिटरली, सो इट विल गिव यू अ बूस्ट ऑफ अराउंड 52, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 100 मार्क्स ऑल्सो, क्योंकि दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन और हर पेपर में देते हैं। सो पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में बात समझो, एंशियंट हिस्ट्री। देखो यार, अगर तुम हड़प्पा पढ़ने जाओगे, मोहनजोदड़ो पढ़ने जाओगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि जो एनडीए है उसका सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो ये है कि भाई जो चीज एक्चुअल में प्रेजेंट में मतलब डेफिनेट है कि भाई उसने हमारी जिंदगी आज बदली है, वही वो पूछते हैं। बात समझो, लॉजिक देखो, अगर इतिहास में कुछ हुआ है और उसके बारे में हम सर्टेन नहीं है कि भैया वो एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो वो आपका एनडीए बहुत कम पूछता है और शायद कभी भी नहीं पूछता है। इसलिए आपको कभी भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। सो व्हाट टू प्रिपेयर, वेदास, वेदास के बारे में हमें पूरी जानकारी, कितने वेदास हैं, ठीक है, उन वेदाओं में क्या लिखा है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आप जाओ महाजनपद, महाजनपद में भी एक ही जनपद चाहिए आपको, मगध। अगर आपके पास मगध की जानकारी है तो आपने हिस्ट्री में वो वाला हिस्सा खत्म कर लिया है, ठीक है, महाजनपद वाला। उसके बाद आते हैं मौर्य डायनेस्टी। देखो मौर्य डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जब हमारा हिंदुस्तान ना जो आज दिखता है वो वैसा था, मतलब समझ लो, ये आपके सामने मैप भी है मौर्य डायनेस्टी का। तो मॉडर्न डायनेस्टी का जो मैप है वो हमारे एक्चुअल कंट्री जैसा है आज की तारीख की, तो इसलिए हमारे आज को डिफाइन करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट, लिटरेचर और रिलीजन सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, तो आ जाता है बुद्धिज्म जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म के हमारे पास हर टेक्स्ट जो भी आज तक यू नो हुआ है, उनमें कौन कौन से सेशन हुए हैं, कौन कौन सी मीटिंग हुई है, ये वन ऑफ द मोस्ट यू नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धिज्म जैनिज्म आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईएएस सब में मिलता है, सब में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना मिले, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हमारा इतिहास द्वारा लिखा गया था वो था गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, आप नाम सुने होगा ये नाम। तो उस समय हमारा देश और डिफाइन स्ट्रक्चर में था और उस वक्त का हमें सब कुछ है, सब कुछ, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा शायद, तो चाणक्य वहीं से था, उसी पीरियड से था। तो अगर आप वो वाला कर रहे हो चंद्रगुप्त खाली एंशियंट हिस्ट्री से, यू आर डन, योर जॉब इज डन, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लास्ट पार्ट जो है वो ये है ट्रैवलर्स। आप ये ट्रैवलर जो एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में आए थे, यूरोप से आए हों चाहे कहीं से भी आए हों, तुर्किश हो, चाइनीज हो, जो भी है, ये आप अगर पता है आपको तो आपका काफी काम डन हो गया। सो मैंने आपको सिर्फ 4 से 5 टॉपिक दिए एंड फ्रॉम वेयर यू नीड टू लर्न। सो मैंने जब आफ्पा की फैकल्टी से बात की, आप देख पा रहे हैं फैकल्टी, तो उन्होंने मेरे को बताया ये सिंपल गूगल पे भी अवेलेबल है, आप मैंने जो टॉपिक बताया आप सिंपल गूगल पे डालो और आपको सब मिल जाएगा। आपको वेदास के बारे में पढ़ना है, सिंपल डालो फीचर्स ऑफ वेदास, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वेदास, जो 4 वेदास हैं, 4 वेदा उनकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, खत्म, दी एंड, उन वेदा में क्या लिखा है, एक समराइज फॉर्म में आपको कहीं भी मिल जाएगा सिंपल गूगल पे। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आफ्पा है ना उसकी खास बात यही है कि वो एनडीए में बहुत तगड़ा स्पेशलाइजेशन रखता है। इनफैक्ट आफ्पा ने ही एक पूरी स्क्वाडन दी है एनडीए को,
ये बहुत बड़ी बात है, और इनका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो रखा है। सो जो पेज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो पेज में अगर आप बॉटम में जाओगे, नीचे जाके स्क्रॉल करोगे, तो आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। तो वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, और वहां पर SSB की तैयारी और NDE की तैयारी दोनों होती है। ओके, सो दिस पार्ट इज डन। अब बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। देखो, मिडिवल हिस्ट्री वो टाइम था जब दूसरे देश के लोग हम पे हमला कर रहे थे, और यहां पर कुछ लोग बसने भी जा रहे थे, जैसे मुगल्स। तो मुगल्स में सिर्फ एक चीज जो आपको जाननी है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आपको जाननी है, और उसमें भी जो राजा आए हैं उसमें सिर्फ औरंगजेब तक आपको पढ़ना है, उससे बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना, और यही इंपॉर्टेंट है। जब ये सारे राजा आए, तो उन्होंने अपने कुछ लोग रखे जिन्होंने इनका इतिहास लिखा। वो नॉर्मली लोग थे ट्रेवलर्स जो दूसरी जगह से आ रहे थे। तो अगर आप उनका नाम जानते हो, योर जॉब इज डन। एक क्वेश्चन आपका तय हो गया मिडिवल हिस्ट्री से। ठीक है, अब यहां तक होने के बाद जब आप आगे चलते हो, तो आपके पास आ जाता है विजयनगर एम्पायर, जिसमें ट्रैवलर्स सबसे ज्यादा आए थे। वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, यहां पर आपका एक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में बोलना चाहूंगा। पहला है गुलाम खिलजी, तुगलक एंड लोदी। इनके टाइम में, चार लोगों के टाइम में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे। तो आप इनका नाम याद कर लो, गुलाम खिलजी, तुगलक एंड लोदी। इनके यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ही आएगा। ठीक है, आपसे पूछा ही जाएगा। आप देखना, मिडिवल हिस्ट्री से बहुत ज्यादा बकवास नहीं की जाती, सिंपल यही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझो, जब आप राजा आए हैं दूसरे देश से, तो वो लड़ाई भी करेंगे, एंड वेन दे वॉट देन वहां पर कुछ ट्रीटीज भी होती है। मतलब जैसे हम बात करें, भाई इंडिया पाकिस्तान लड़ गए, अब लड़ने के बाद इनमें कुछ समझौता हुआ, वो समझौते को हम कहते हैं ट्रीटी। तो ट्रीटी किस राजा के बीच में हुई और वो ट्रीटी क्या थी, ये सवाल आपके एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट है। आपसे कोई नहीं पूछेगा पानीपत की लड़ाई कब हुई, आपसे ये पूछा जाएगा पानीपत की लड़ाई के बाद किन दो राजाओं में ट्रीटी हुई, समझौता हुआ, समझौता क्या था, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। आप सारी ट्रीटीज आप डालेंगे कि भैया मुगल टाइम में जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं वो सारी, या ब्रिटिश टाइम में जितनी भी लड़ाई हुई उनकी सबकी ट्रीटीज मिल जाए, आपको गूगल पे एक बार में मिल जाएगा। सो दिस इज द नो ऑल होल पार्ट ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री विच यू नीड टू टेक केयर। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है जहां गांधी जी आ गए। जैसे ही गांधी जी ने एंट्री ली, वहीं से ही यूपीएससी को पागलपंती आ गई कि भैया यहीं से सवाल पूछना है, यहीं, इससे अलावा नहीं पूछूंगा। मैं आपको कुछ सवाल बताता हूँ जो यूपीएससी ने कभी पूछे थे गांधी जी के बारे में। गांधी जी टकले कब हुए, गांधी जी जब पहली बार हिंदुस्तान में आए तो कहाँ गए। इस बार अगर एक सवाल मैं आपके सामने रखूँ, वो वैसे तो CDS का है, बट मैं ऑब्सेशन दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि NDA, CDS, IAS सब UPSC ले आता है। और सवाल पूछा था, सवाल ये था कि भाई गांधी जी ने अपनी पहली स्पीच कहाँ दी, वो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये आपको हॉन्ट कर सकते हैं, पर इनमें हॉन्ट करने वाली बात नहीं। ये तो वो सवाल थे गांधी जी के जो कि शायद ही किसी को पता होगा, बट मैं आपको वो सवाल बता रहा हूँ जो गांधी जी के फॉर श्योर श्योर थे। नंबर वन, गांधी जैसे ही आपके हिंदुस्तान में आते हैं, आपको याद करने हैं उनके इवेंट्स। मतलब गांधी जी ने चंपारण किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, गांधी जी ने और क्या क्या किया, इवेंट्स, मेजर इवेंट्स कब किया, और वो क्या, मतलब किस समय किया, उनके ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि भैया कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, और तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये। उसके बाद गांधी जैसे हिंदुस्तान में आते हैं, तो INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में हलचल बन जाती है कि भाई इसको आदमी को आगे लाओ, इसको आदमी को आगे लाओ। तब कांग्रेस समझती है कि यार हमें ना एक शांत दल पार्टी बननी है, मतलब हमको जैसे गांधी जी कह रहे हैं वैसे ही करने हैं। पर गांधी जी की आइडियोलॉजी से हर कोई एग्री नहीं करता था, और एग्री ना करने के कारण एक टाइम आया सूरत स्प्लिट का। सूरत स्प्लिट क्या था, एक ऐसा कांग्रेस सेशन था वो जिसमें सारी पार्टियां टूट गई। जब सारी पार्टियां टूट गईं, तो कोई स्वराज पार्टी बना गया, कोई कम्युनिस्ट पार्टी बना गया, कोई कोई पार्टी बना गया, तो कई कई छोटी छोटी पार्टियां बन गई। वो छोटी पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पार्टी किसके हेड में थी, बात समझ रहे हो आप। जब ये सारी बात हो रही थी, जब आपका पार्टीज बन रही थी, उसके बाद आपके सामने आए कुछ नाम। वो नाम ऐसे हो गए जिन्होंने अपनी जगह बना ली गांधी जी के अलावा, जैसे, पर वो पैरल नाम थे, राइवल में कह सकते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं वो गांधी जी की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा मैच नहीं करते। जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, ये वो नाम है जो कि पैरल में थे गांधी जी के। इनकी आइडियोलॉजी कुछ अलग थी, कांग्रेस या गांधी जी की आइडियोलॉजी अलग थी। यहां तक होने के बाद अब यहां से कहानी आ जाती है, गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में क्या डिस्कशन चल रहा होता है। गांधी जी और ब्रिटिश के बीच में डिस्कशन चल रहा था, उसमें से कुछ बड़े फेमस है, जैसे पूना पैक, वन ऑफ द मोस्ट प्रायर, मतलब आप हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आप पूना पैक देख सकते हो।
उसके बाद आप देख सकते हो कि आपसे इरविन, जो इरविन के साथ मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ है, राउंड टेबल वन राउंड टेबल टू ये सब पूछा गया है, राउंड टेबल वन राउंड टेबल टू कहाँ कहाँ हुई है ये भी पूछा गया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, वहां से क्या हुआ, क्या गांधी जी गए थे वहां पर या नहीं गए थे, ये सारे सवाल आपके पूछे गए हैं, दिस इज द फॉर श्योर श्योर क्वेश्चन गांधी जी के टाइम के। अब जब गांधी जी के सारे एक्ट हो चुके तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ कानून भी बनाए, वो कानून ऐसे बने कि आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इनफैक्ट अगर आज जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब देखते हो जो हम जिसपे हमारा जिसपे हम डिपेंडेंट हैं वो इन एक्ट्स की वजह से आया जो आपके लाइन में है। ये एक्ट इतने खास हैं, इनसे पूछ लिया जाता है इस कौन से ईयर में ये वाला एक्ट आया, बात समझो, आपको फलाना बात बोल देंगे कि भैया ये बात कही गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये नियम बनाया गया था, बताइए कौन से एक्ट में था, सिंपल सवाल, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है और एक गिनती के हैं, गिनती के 8-9 एक्ट हैं, अगर आप याद कर लो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरा आपको अंग्रेजों का बनाने का सिस्टम समझ में आ जाएगा, अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान को कैसे स्ट्रक्चर किया, और उनके कानून तो कई बार आपको ऐसे लगेंगे बहुत ही लॉजिकल है भाई, और कई बार ऐसे लगेंगे इतने बेवकूफाना है कि भाई आप कहोगे कि ये क्या है, तो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये सर्टेन चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आनी तय है। नाउ वी हैव टॉक अबाउट द हिस्ट्री एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न। अब बात आती है हमारे सामने ज्योग्राफी की, देखो ज्योग्राफी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ज्योग्राफी में इनफैक्ट मैं कहूं जैसे हिस्ट्री में तो आपको काफी मेहनत लगी काफी मेहनत, बट ज्योग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आफपा के एजुकेटर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो सर्टेन टॉपिक से आप हर एग्जाम में देख सकते हो यही पूछे जाएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने तीन लाइन अपने ना वर्ल्ड के मैप पे देखी होंगी, नहीं देखी तो अब नोटिस करो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, इन तीनों में खास बात है, इन तीनों से कुछ कंट्रियां पास होती हैं, जब ये मैप पे ड्रॉ करी जाती है तो इनसे कुछ कंट्रियां पास हो रही होती हैं, वो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती हैं, इनमें से कौन सा कंट्री इस लाइन से पास नहीं होता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, दैट्स इट, बट एक लाइन ऐसी है इसमें से जो हमारे देश से ही पास होती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर आप देखो तो आपको ना कुछ चीजें बड़ी माइन्यूट सी लगेंगी, आपको लगे राजस्थान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है कि नहीं होता, जरा चेक करके देखो ये बात, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, झारखंड से पास होता है कि नहीं होता है, बिहार से पास होता है कि नहीं होता, वेस्ट बंगाल से पास होता है नहीं होता, मणिपुर से पास होता है नहीं होता, ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो ये आपको जगह मिलेंगी और ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आप यहां से जरा चलो तो ज्योग्राफी में कुछ बातें और पूछी जाती है, लेक्स पासिस ये एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट है और ये पूछे ही जाएंगे, बात समझ रहे हो आप, लेक्स पासेस एक ऐसी चीज है जो आपको भले ही रटना पड़ेगा बट आप एग्जाम में हर बार देखोगे, हर बार फिक्स्ड है। दूसरी बात, यहां से आप आगे जाओ तो आपके एटमॉस्फेयर की लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी लेयर में आपका क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लेन कहाँ उड़ता है, क्लाउड्स कौन सी लेयर में होते हैं, अच्छा तो जो हॉट एयर बैलून होता है वो कहाँ उड़ता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, यूवी रेस कहाँ होती है मतलब ओजोन लेयर कहाँ पर होती है, ये सारे इसी एक चीज के अंदर आता है कि टाइप जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें कौन सी चीज कहां पर प्लेस्ड है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट है, आप अगर याद नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ना ये एक बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि क्वेश्चन हर एग्जाम में अकीन सीरीज एफकेट आईएएस किसी में भी सबसे फ्रिक्वेंट सवाल है। इसके आगे जरा बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाती है रिवर्स, हमारा इंडिया रिवर में दो जगह पर डिवाइडेड है, एक है नॉर्थ रिवर मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये तीन रिवर, उसके बाद हम आती है नीचे वाली पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, ये सारी, इनमें पूछा क्या जाता है, पहली बात पूछा जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना में सिर्फ ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है, वहीं जो पेनिनसुलर रिवर है वो कहां गिर रही है, कृष्णा रिवर ओरिजिन हुई है तो वो कहां गिर रही है, गोदावरी ओरिजिन हुई है तो कहां गिर रही है, ठीक है, ताप्ती निकल रही है तो कहां से निकल रही है और कहां गिर रही है, अरेबियन सी या वेस्ट बंगाल, ये सवाल आपके तय होते हैं, क्लियर है, यहां से निकले तो हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे जोन, रेलवे जोन आपको ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब भाई याद करने में लगता है 10 से 15 मिनट और क्वेश्चन फॉर श्योर, एक और सवाल आपकी झोली में आके गिर गया। रेलवे जोन दिखने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगता है बट अगर आप समझ के करोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो फॉर श्योर श्योर आती है वो है ये पांच चीजें, कौन कौन सी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, फिर आपके आती है लेक्स, लेक्स के बाद आपका आगे आपका इंडस्ट्रीज में न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर ये चीजें कहां पर हैं ये आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक सवाल और आता है, ये सवाल आप कई बार देखो, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है, क्या है,
ये बात पूछी जाती है, ये बता मतलब कई बार पूछा गया है सवाल और बहुत बच्चों को नहीं पता होता। कई बच्चे तो माउंट एवरेस्ट पे टिक करके आ जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट होगी, उनको पता ही नहीं होता नेपाल में। तो अगर आप ऐसा छोटा सवाल का जवाब नहीं जानते तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसे छोटे सवाल का जवाब जरूर देख लें आप, ठीक है। इसके बाद जरा हम और आगे चलते हैं, हम ज्योग्राफी में बात करते हैं। तो हमारे तीन टाइप की, दो टाइप की मेजरली क्रॉप्स होती हैं, राबी खारिफ। इनके ऊपर सवाल आता है, राबी कब होता है, खारिफ कब होता है, राबी में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, खारिफ में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, क्लियर है। ये आपका मतलब फेवरेट सवाल है यूपीएससी का क्रॉप्स के रिगार्डिंग, ठीक। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जैसे अर्थ की लेयर, सॉरी एटमोसफियर की लेयर है, वैसे ही हमारे पास अर्थ की लेयर भी है। तो जो अर्थ की लेयर है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी लेयर कब आती है, कौन सी लेयर में क्या है, ठीक है। हमें कोल गैस कब जाकर मिलती है, कौन सी लेयर में जाकर मिलती है, ये सवाल भी आपका बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट है जो आपसे पूछा जाता है, क्लियर है। यहां तक इतनी कहानी हो गई, पूरी ज्योग्राफी हमारी खत्म हो गई। बट अब मैं एक सवाल आपका जोर डालना चाहूंगा जो आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वो होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। वो क्या होता है, ओशन करंट और विंड्स जो पूरे वर्ल्ड में होती हैं वो कहाँ कहाँ क्या है, जेट स्ट्रीम कहाँ होती है, ट्रेड विंड कहाँ होती है, ठीक है। ये पूछा जाता है, आप सिंपल यूट्यूब पे डालोगे सारी चीजें मिल जाएंगी, ओशन करंट एंड ट्रेड विंड, सिंपल। एक बात और भूल गया मैंने, तो मैं क्रॉप्स बताई बट क्रॉप्स के साथ एक और चीज आती है, सॉइल। कई टाइप की सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, एल्यूमिनियम सॉइल, मतलब रेड सॉइल, ये सारी सॉइल बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सारी सॉइल आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, क्लियर है। इसके बाद हमारा ज्योग्राफी हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है, अब हम आते हैं पॉलिटी पे। देखो पॉलिटी में बड़ी सिंपल सी कहानी है, पॉलिटी में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें रटने वाली हैं, जैसे शेड्यूल, पार्ट्स, कमिटी, अमेंडमेंट, ये चार चीजें आपको यहां पर भी दिखनी होंगी, ये चारों आपको रटना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन यू हैव, ठीक है। इसके बाद आती हैं आपके पास कुछ और चीजें जैसे जो आपको समझ के काम चल जाएंगे, जैसे प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, गवर्नर की पावर क्या है, ठीक है, सीएम की पावर क्या है। प्राइम मिनिस्टर की पावर सीएम से मैच करती है, गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट से मैच करती है, कॉमन बात होती है, ये आपको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद सेंटर स्टेट काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने सीएम को कुछ कहा, क्या सीएम करेगा क्या वो, तो ये सवाल बहुत ही कॉमन है। अगर आप ये सारी चीजें यूट्यूब पर डालोगे तो भी आपको आराम से देखने मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। इसके बाद आपको याद है मैंने आपको ये 10 एक्ट बताए थे और मैंने बोला था कि ये 10 एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी और हिस्ट्री में दोनों में कॉमन है, तो ये आने तय होते हैं। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता। इसके बाद जब सारी बातें हो गई तो हमारे पास कहानी बसती है पॉलिटी के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आपका डीपीएसपी एंड रिट्स, ये चार टॉपिक से क्वेश्चन आने तय होते हैं फॉर श्योर, ये आपको हर पेपर में दिख जाएंगे, हर पेपर में। एंड अगेन सीडीएस, आईएएस, एनडीए, सीएपीएफ, जो भी यूपीएससी कराता है उस सब पेपर में वो अवेलेबल है। डन, इतना हो गया। अब क्या, देखो यहां तक जब कहानी आ जाती है तो रुकती नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अपने आप में 200 नंबर रखती है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास साइंस नहीं है तो मैं आपकी बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने, ये आपको मिलेंगी। पहले बायोलॉजी की बात करते हैं, सेल सेल टॉपिक जरूर आएगा, तय है। अब हमारी बॉडी में कई टाइप के सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन शक्ति कैसी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस कैसे लेते हो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। नर्वस सिस्टम दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। 4 से 5 टॉपिक ये हैं, ये ज्यादा समय नहीं लेते। तो सेल हो गया, फिर सिस्टम्स हो गए, डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो होते हैं। फिर तीसरी जो चीज होती है वो होती है डिजीज। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन B1 की कमी से क्या होगा, विटामिन B2 की कमी से क्या होगा, मतलब आयोडीन की कमी से क्या होगा, ये सारे सवाल आपसे पूछ जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास ब्लड, ए ब्लड अगर किसी का है और बी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव दोनों की अगर शादी करा दो तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ये सवाल पूछा जाता है, आपने कई बार देखा भी होगा, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट, 3 से 4 सवाल और आपके बायोलॉजी डन। अब इसके बाद आता है हमारे पास फिजिक्स, फिजिक्स यार सबसे ज्यादा वेटेज होता है 100 मार्क्स का। फिजिक्स में जो आपका हाइएस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बाद मोशन, ये दो टॉपिक तो आपको अगर नहीं आते हैं ना तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली,
ठीक है, तो ये तो आपको करने करने ही है। इसके बाद आपको एक आता है साउंड, साउंड भी करना है। साउंड में भी ना आपको ना बहुत ही डिफाइन चीजें मिल जाएंगी, मैं लाइट या ऑप्टिक्स कह लो या लाइट कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें जो चीज है जो बहुत ही फ्रिक्वेंट है, नंबर वन इज प्रिज्म में सात लाइट निकलती है जिसे हम विवग्योर कहते हैं। विवग्योर में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, ये सवाल पूछा जाता है। सेम केस साउंड के साथ है। साउंड के साथ क्या है कि भैया किसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेस की है, एक्सरे की है, किसकी है, वो पूछा जाता है। सो साउंड और ऑप्टिक्स करना जरूरी है, दोनों ही सिमिलर हैं और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज चीज है। तो अब तक हमने बात कर ली है फिजिक्स बायो की, अब बात हमें करनी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री में तीन चीजों में हमारी पूरी केमिस्ट्री डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक। तो उसमें ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक का वेटेज कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू फिजिकल, मतलब इनका अगर कंपेरिजन करें तो दो या तीन क्वेश्चन टोटल मिलाकर ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक से आते हैं। सो इनको करने का कोई सेंस नहीं है। अब सवाल आता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ें, तो ये टॉपिक है। इनफैक्ट ये 9th 10th की एनसीईआरटी में आपको आराम से मिल जाएंगे, आप आराम से पढ़ सकते हो। इन्हें हार्डली गोना टेक 2 to 3 days टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। यू हैव टू बी लिटिल परसिस्टेंट कि इन सबको याद कैसे करना है, क्योंकि बिना याद करे तो केमिस्ट्री कभी हुई नहीं है। थोड़ा याद करने में समय तो जाएगा, बट इट्स वर्थ, आपको एग्जैक्ट छपे छपाए क्वेश्चन इन टॉपिक से मिलेंगे। डन। सो वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब क्या बचा, करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैं आपको सात, मतलब इतने कम समय में सात क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करने की सलाह नहीं दूंगा। तो ये सारी मेहनत आपके लिए आफ्पा ने की थी, तो अगर आपने अभी आफ्पा जाने का प्लान नहीं बनाया तब तक, तो अब बना लो, क्योंकि आफ्पा ही एक ऐसी जगह है जिसने एनडी की पूरी स्क्वाडन दी है और इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अभी चेक करो और आपको अपनी जिंदगी बदलते हुए दिखेगी अगर आप अगला एनडीए भी दे रहे हो तो। सो मेक श्योर यू ज्वाइन इट। बाय बाय, चेक किया। वो है अंतिम पगों के निशान।